इंदौर में दिनांक 23 फरवरी को फुटीकोटी चौराहे से श्री हरिधाम मंदिर हवा बंगला तक श्री हरिधाम लोक न्यास समिति के तत्वाधान में हजारों मातृ शक्तियों द्वारा विभिन्न नदियों के जल से कलश यात्रा व भिन्न स्थानों से आए पीठाधीश स्वामी साधु संत अखाड़ा स्वामी व महंत सुखदेव दास जी महाराज के सानिध्य में पश्चिम क्षेत्र में अत्यंत दुर्लभ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कई अखाड़ा कलाकार घोड़े बग्घी बैंड बाजों सहित भजनों की लहर बिखेरती गाड़ियां व दूर दूर से आए हजारों भक्तों ने शोभा यात्रा में शामिल होकर नवग्रह मंदिर व साधु संतों का आशीर्वाद लेने के साथ भोजन प्रसाद ग्रहण किया। प्रमुख महंत श्री सुखदेव दास महाराज जी द्वारा बताया गया कि दिनांक 23 फरवरी कलश यात्रा से शुरू महोत्सव में नवग्रह मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ व अनेकानेक प्रांतों से आने वाले साधु संतों के मानस सम्मेलन व महायज्ञ की पूर्ण आहुति के साथ दिनांक 3 मार्च को लाखों श्रद्धालुओं के भंडारा प्रसादी के साथ संपन्न होगा। हरिधाम के अंदर जो आज मातृशक्तियों ने अपनी शक्ति दिखाई कलश यात्रा निकाल करके, मैं उन मातृशक्ति को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ, जितने आयोजक गण हमारे इस हरिधाम मंदिर के उनको भी धन्यवाद देता हूँ, बल्कि भैया और सभी लोग सुखदेव महाराज जी को। मैं समझता हूँ कि पश्चिमी क्षेत्र में एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कम से कम 1.5-2 करोड़ का एक मंदिर यहाँ पर बनकर तैयार हो गया, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज कलश यात्रा निकाली गई है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर नवग्रह मंदिर इंदौर के अंदर एक अद्भुत मतलब मंदिर, जो मंदिर तो बहुत सारे इंदौर के अंदर, लेकिन हरिधाम के अंदर जो मंदिर बन रहा है, ये हमारे क्या बोलते हैं सुखदेव महाराज जी की इच्छा शक्ति थी और लंबे समय से इनका प्रयास था कि उन्होंने लक्ष्य रखा था कि यहाँ पर। तो आज देखो कि आज पल्लू भैया ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पांडे जी हमारे मात्र बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी किताब मैं ले नहीं पा रहा हूँ। सब लोगों ने अथक प्रयास किया और रात दिन मेहनत के बाद आज वो परिणाम हमारे सामने है। और पश्चिमी क्षेत्र को जो आज दूर दूर तक जाना पड़ता था मंदिर के लिए, मैं समझता हूँ एक ऐसा मंदिर मिलेगा जो इंदौर के अंदर अद्भुत मंदिर रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में 5 दिवसीय मानव सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है 28 से 3 मार्च, जिसमें अयोध्या निर्वाणी यानी अखाड़े के श्रीमान श्री धर्मदास जी मुख्य अतिथि हैं। 27 तारीख को शाम तक आ जाएंगे और इसमें मानस के वक्ता रूप में रामविलास जी वेदांति, जो बीजेपी से पहले सांसद भी रहे और राम जन्मभूमि न्यास के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, करीब 25-30 साल से वो संघर्ष करते रहे और उनका देश विदेश में नाम है और सब लोग उनको जानते हैं। एक विद्वान रायसेन से आ रहे हैं, जो डॉक्टर रामाजाजी शर्मा, जो विद्या वाचस्पति हैं, राष्ट्रपति पुरस्कृत हैं और रामचरित मानस पे उन्होंने हनुमान चरित पर PhD किया है, जो बहुत ही रामचरित मानस का बहुत ही अद्वितीय विद्वान है। उन्हीं के साथ में जगत गुरु आ रहे हैं पटना से, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी आ रहे हैं और भी संत बड़ोदरा से आ रहे हैं, राम प्रसाद दास जी भारत जी आ रहे हैं और वृंदावन से भी आ रहे हैं, अयोध्या से भी आ रहे हैं, हरिद्वार से भी आ रहे हैं, गुजरात से भी आ रहे हैं, भोपाल से भी ही आ रहे हैं। ये पूरे भारतवर्ष से अपने से इसका संबंध है, वो सारे संत यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मंच पे भी विराजमान होंगे और सबका आशीर्वचन होगा। और ये मैं सारे शहरवासियों से और सबसे आग्रह करता हूँ कि इस कार्यक्रम में आकर के और संतों का आशीर्वाद लेवें।